नमस्कार, आप देख रहे हो वन टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। आपको बता दें, कल रात्रि में लगभग 10:30 बजे अचानक आग लग गई, और आग लगने के बाद इस भीषण आग ने देखते ही देखते कई घरों को जलाकर राख कर दिया। आज हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं जहां आग लगी थी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए हमारे साथ। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां कल रात जो है आग लगी थी, और आग लगने के बाद जो है सो घर जो है पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तस्वीरें जरा दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, देखिए किस तरह से जो है घर में रखी जो सारी वस्तुएं थी, सामग्री थी, वो सारी चीज़ें जो है सो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे, खाने पीने की सामग्री से लेकर के घर में रखी जो जरूरत की जो सारी चीज़ें जो घर में होती है, वो सारी चीज़ें जो है सो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। दिखाइए, साथ ही आपको बताते चले कि हालांकि आग लगने के बाद जो है सो हरकंप मच गया, और यहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है सो सिंगा थाने को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशामक की वाहन भी मौके पर पहुंची थी। हालांकि ग्रामीण वो अग्निशामक वाहन के कर्मियों की मदद से जो है सो आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति हुई है। यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जिनका घर पूरी तरीके से जल गया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे हम बातें करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ है। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, आइए हम बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। रिंकू देवी, घर कहाँ हुआ आपका? कढ़ी। आपके भी घर में आग लगी? हाँ, मेरा सारा सामान देख लीजिए, सारा जल गया। ट्रंक, पोथी, आटा, चावल जितना था, बस था, वो भी जल गया। तो आग मतलब लगी कैसे? मेरे जेठानी आई उधर से दौनी करके, और घर में चाय बनानी, मेरे जेठ बोले जाओ चाय बना के लेके, उन्हें चिल्लाते ही दर भर मार के भागे। अच्छा, मतलब चाय बनाने के दरमियान में जो है सो आग लग गया? हाँ, मेरे जेठी और जेठानी दोनों आया चाय बनाने के लिए, और चाय के जैसे ही लाइटर मारे भाग गया गैस, उसे चिल्लाते ही भागे। कितने का नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ मेरा, देख लीजिए ना, आप लोग सब आए हुए हैं तो देख लीजिए, मेरा बर्तन, मेरा पेटी, मेरा कोठी, मेरा ट्रंक, सारे पस्तूल जेवर जितना था सब जल गया। उसमें रुपया भी था, 35,000 वो भी जल गया। मतलब कैसे रुपया भी था? हाँ, परसों निकाल के आए बैंक के, शुक्रवार का 15,000 निकाले और सोमवार का 20,000। आइए, हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका भाभी? हेलो, पति का नाम? विजेशा। आपका भी घर जला है? अच्छा, मतलब आग लगा कैसे, कुछ जानकारी है? हम चले सलाई के ऊपर भाग लिए। अच्छा, मतलब अच्छे से खाना मतलब चाय बनवे ले लेंगे, और दरमियान जे छे से मतलब आग लग गेले। हां, और चला बार ले गेलो छ ना, इधर के हम भाग लियो। बहुत अच्छी तरह टला कोट चावल चाटा सारा सामान है घर। हम लोग को बच्चा भी भूखा हुआ है अभी अभी तक, मतलब रहने का कोई मतलब इंतजाम नहीं हो पाया है। आइए, हमारे साथ कुछ जेंट्स भी हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि कैसे भी आग लगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? रात में हम लोग खेत से आए धोने करके, जी तीन भाई हम गांव थे, एक भाई कहीं रिलेशन में चले गए, तो आने के क्रम में मेरा भाभी को मेरे भाई वाला चाय बना के लाने के लिए इधर आई, उतना देर में इधर से चिल्लाती दौड़ी गई वहाँ रोड पर, उधर से हम लोग दौड़े, आग के भीषण बहुत लपटा हुआ था, तो हम लोग भी चिल्लाए, कुछ आदमी दौड़े गांव के ग्रामीण लोग, कुछ दौड़ने क्रम में बहुत ही आदमी जुटे, उतना देर में हम गए बच्चा को
निकालने के लिए कितना धक्का मारे नहीं खोला, तब ईटा से अथी करके बच्चा को निकाले भगाए, तब तक काफ़ी लपटा हो गया। तब उसी समय मेरे ग्रामीण लोग सिंगागढ़ी फोन किए, दमकल को आए, आने के बाद आग पर थोड़ा काबू पाया, उससे नहीं संभला, उसके बाद रोसड़ा से बड़ा गाड़ी आया। अच्छा, रोसड़ा से बड़ी गाड़ी भी आई थी? जी आई थी, उसके बाद आग पर खुद काबू पाया। ओके, इस आग लगी में लगभग कितने की मतलब क्षति हुई? कम से कम मेरा 2-2.5 लाख के सामान क्षति हुई। मेरा काउंटर था, दुकान अंदर में हम किए हुए थे, सिस्टम लैपटॉप CPU मतलब सारी चीज़ जलकर जी, कुछ कैश था काउंटर में, ये सब नष्ट हो गया। क्या कुछ मतलब मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से कुछ मुआवजा की मांग करेंगे, आर्थिक सहायता के लिए हम लोग के पास कुछ भी आएगी। अभी फिलहाल जो आप लोग का रहना मतलब किस तरह, सुबह का नाश्ता वगैरह खाना वगैरह कैसे बना? अभी तक कुछ नहीं, तो सुबह से आप लोग मतलब भूखे ही है? तो यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हुए या फिर स्थानीय जो प्रशासन है, क्या वो लोग पहुँचे हैं? नहीं, मुखिया आए थे सवेर में लगभग 10 बजे 11 बजे। हेलो जी, तो क्या उनकी ओर से क्या कुछ आपको मतलब रहा? नहीं कुछ नहीं। फिलहाल उनकी तरफ से क्या कुछ, उनका क्या कुछ कहना, क्या कुछ कहना था कि वो CEO साहब के DDO साहब से कॉल किए, उसके बाद अभी अभी कौन कौन लोग विजिट किए हैं इस मामले में? मुखिया जी आए थे, CEO साहब आए थे, CEO साहब आए थे और बड़ा बाबू रात में आए थे थाना से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको बता दें कि इस अगलगी में जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है कि चाय बनाने के दरमियान जो है सो यह घटना हुई थी, आग लगी थी और आग लगने के बाद जो है सो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और जिसके बाद जो है सो चारों तरफ जो है सो आग फैल गई। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा जो है सो सूचना दी गई सिंगिया थाने को, उसके बाद अग्निशामक की वाहन पहुंची, उसके द्वारा भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद रोसड़ा से भी चलकर अग्निशामक की वाहन पहुंची, जिसके बाद जो है सो अग्निशामक की वाहन वो यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से जो है सो घंटों मशक्कत के बाद जो है सो 3-4 घंटे तक काफ़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। और अब जो लोग हैं वो इस कड़ी धूप के नीचे जो है सो रह रहे हैं, अभी तक इन लोगों का खाना पीना का भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया, ना रहने का कोई इंतजाम हो पाया है। हालांकि यहाँ के अंचलाधिकारी उन्होंने पहुँचा है, जगह का जायजा लिया उन्होंने और जो भी आपदा प्रबंधन की ओर से जो कुछ मदद की जो राशि है उन्होंने देने का आश्वासन दिया है। चलिए हमारे साथ लगातार चैनल के साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए वन टीवी। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.